उसके बाद हम यहाँ से घर की तरफ निकल जाएंगे। अरे यार ये धुआं बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। बहुत अच्छा परफॉर्म किया भाई, बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। और सुबह जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की -7 -8 के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज आप लोगों से बात करके काफी अच्छा लग रहा है भाई, काफी दिनों बाद आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा मिस किया, अब आप में से भी काफी लोगों ने मुझे मिस किया ही होगा, बता दो कमेंट बॉक्स में। तो अभी आपका भाई जा रहा है गाड़ी वॉश कराने के लिए, तो पहले गाड़ी वॉश कराएंगे, उसके बाद आपको पूरी राम कहानी बताएंगे कि आखिर में इतने दिनों से वीडियोस वगैरह क्यों नहीं डाल रहा था और मैं था कहाँ। गाड़ी वॉश हो गई है, अब बस कपड़ा लगना रह गया है। कपड़ा लग जाएगा उसके बाद में यहाँ से निकल जाएंगे। और यार सर्दी में ना आग कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना, इसके सामने से हटने का मन ही नहीं कर रहा। अब बस जल्दी से कपड़ा लग जाता है, उसके बाद हम यहाँ से घर की तरफ निकल जाएंगे। अरे यार ये धुआं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। गाड़ी अच्छे से वॉश हो गई है और मैं निकल गया हूँ अपने घर की तरफ। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि गाड़ी ने कैसा परफॉर्म किया और भैया मैं इतने दिन तक कहाँ पर था। तो भाई देखो, अगर आप लोगों ने हिमाचल ट्रिप को अच्छे से फॉलो किया होगा ना, तो आप लोगों को पता होगा कि हिमाचल ट्रिप पर मेरा पर्स खो गया था। अब पर्स के अंदर मेरा आईडी कार्ड था, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, मेरे डेबिट कार्ड थे, क्रेडिट कार्ड थे, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स थे भाई, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि मेरे हाथ से चले गए थे। अब मैंने सोचा था कि भैया जैसे ही मैं दिल्ली वापस जाऊंगा तो पहले तो मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से बनवाऊंगा, मतलब मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा क्रेडिट कार्ड, मेरा डेबिट कार्ड, मेरी गाड़ी की आरसी और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। तो भैया जैसे ही मैं वापस आया ना, तो मैं आते ही इन सब चीजों को दोबारा से बनवाने में लग गया। अब देखो, अगर मैं ये सारी चीजें दोबारा से नहीं बनवाता ना, तो मैं दोबारा कहीं पे भी ट्रिप पे नहीं जा सकता था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा आजकल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। और कभी भी हम दूसरे स्टेट में जाते हैं ना, तो यार डर लगा रहता है कहीं कोई पुलिस वाला रोकेगा, अगर होंगे तो बच जाएंगे, नहीं होंगे तो फंस जाएंगे। तो यार इसीलिए मैं डॉक्यूमेंट्स बनवाने में लगा पड़ा था। अब फाइनली हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से बन गए हैं, कुछ आ गए हैं, कुछ आने बाकी हैं, तो यार वो भी टाइम से आ ही जाएंगे। तो बस इसीलिए ना मैं भैया वीडियो नहीं डाल रहा था, मैंने सोचा पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेता हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को एक प्रॉपर वीडियो बना के बताऊंगा। अब बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। अब आ जाते हैं हिमाचल ट्रिप पे परफॉर्म कैसा किया गाड़ी ने। तो भाई गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे से चली और कहीं पर भी 1% मुझे ये नहीं लगा कि मेरी गाड़ी मुझे परेशान कर रही है। मुझे भाई साहब इस गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देके दिखाया भाई इस बार। मतलब जब से मैं लद्दाख से वापस आया हूँ ना, मेरी गाड़ी का ना मतलब कुछ अलग ही हो गया है भाई, बहुत अच्छे से चलती है और कहीं भी परेशान नहीं करती। हो सकता है कि भैया जब से मैं लद्दाख से आया हूँ तब से मुझे गाड़ी अच्छे से चलानी आ गई है पहाड़ों के अंदर, जो कि पहले नहीं आती थी। तो आप लोग भी समझ सकते हो, 17-18 का इसने मुझे पहाड़ों पे माइलेज दिया और 21-22 का मुझे हाईवे पे, जो कि ये हमेशा मुझे देती है। तो यार परफॉर्मेंस की तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, बहुत अच्छा परफॉर्म किया भाई, बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। और सुबह जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की -7 -8 के अंदर, तो भाई साहब एक बारी में ही गाड़ी स्टार्ट हो गई, ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कुछ परेशान कर रही है या खड़खड़ फड़खड़ कर रही है, ऐसा कुछ नहीं था भाई। एक बार स्टार्ट करते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब मैं तो कहूंगा भैया एक नंबर की गाड़ी है ये, तो परफॉर्म तो इस गाड़ी ने बहुत ही अच्छा किया। अब मैं इसे लेके जा रहा हूँ रेगिस्तान, मतलब जैसलमेर। अब देखते हैं भैया जैसलमेर में हमारी गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। अब देखो 20,000 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, 20,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली हमारी हो जाएगी जल्दी ही, तो यार उसे जल्दी ही करवा लो यार। काइको रुके पड़े हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा खींचो, अपने यार दोस्तों को पकड़ो और पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करवाओ। अब जा रहा हूँ मैं जैसलमेर, फिलहाल अभी मैं घर जा रहा हूँ भाई। घर जाने के बाद मुझे सामान भी पैक करना है और हो सकेगा तो शायद मैं आज ही निकल जाऊंगा जैसलमेर के लिए। तो आप अब जो अगला व्लॉग देखोगे ना, आप लोगों को मैं जैसलमेर में ही नजर आऊंगा। तो बस इस वीडियो को ज्यादा नहीं खींचते, एक छोटी सी वीडियो थी ताकि आप लोगों को मैं अपडेट कर सकूं कि भैया मैं कहां पर हूं, क्या कर रहा हूं और अब आगे क्या करने वाला हूं। तो अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो भाई गाड़ी अच्छा परफॉर्म करती है भाई, तो गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में बार बार पूछने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, गाड़ी हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करती है। अब देखते हैं ये रेगिस्तान में कैसा परफॉर्मेंस देती है। तो बस इस वीडियो को ज्यादा नहीं खींचते, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं घर जाऊंगा, सामान पैक करूंगा और निकल जाऊंगा जैसलमेर के लिए। अभी के लिए बाय बाय।